नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता के उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में छोटे बड़े निवेशकों के साथ साथ समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि उनसे बातचीत करते हुए उनकी मांग व पॉलिसी के अनुसार उन्हें छूट दी जा सके। आज आयोजित बैठक में ऐसे दो बड़े उद्योगों नामक मारुति और ग्रासिस पेंट्स जिसके साथ बातचीत करते हुए उन्हें पॉलिसी के अनुसार मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि मारुति द्वारा खरकोदा में लगभग 900 एकड़ जमीन प्लाट स्थापित करने के लिए दी जा रही है। इनके साथ पहले से बातचीत चल रही थी जिसे आज अंतिम रूप दिया गया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साथ इसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ। यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर ये तय पूरी राशि जमा करवा देती है तो उन्हें पॉलिसी के अनुसार कुल राशि का 10% में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए SGST की रीइंबर्समेंट भी की गई है जिसमें इन्हें छूट दी गई है, जिसमें मारुति कंपनी द्वारा प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जाएगा जिसमें ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य कंपनी ग्रासिस पेंट्स की है जिसे स्थापित करने के लिए बातचीत पहले से रोहतक में चल रही थी लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक इस प्लांट में पानीपत में स्थापित करना चाहते हैं। इस प्लांट के एक्सचेंज में कोई नई शर्तों को जोड़ा गया है। इस कंपनी को भी पॉलिसी के अनुसार छूट दी गई है और यह उद्योग 70 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी लाया गया है जिसमें आज बातचीत की गई है। यह प्रोजेक्ट रोहतक में लगाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह परिसर से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में गांव के लिए फॉगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत की गई। प्रदेश में 5000 गांवों में ये मशीनें दी जाएंगी। जहां पर ये मशीनें नहीं हैं, इस अवसर पर उन्होंने फॉगिंग मशीन को चला करके भी देखा। गुरुग्राम में जिला के 11 पंचायतों को अपने कर कमलों से उन्होंने मशीनें भेंट की। मित्रों, आज हमारी एक बैठक थी हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड की और उसमें हम हर महीने डेढ़ महीने बाद रेगुलर इंटरवल के ऊपर ये मीटिंग करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स की प्रोजेक्ट्स कहीं छोटे प्रोजेक्ट्स कहीं मेगा प्रोजेक्ट हर एक प्रोजेक्ट के बारे में विचार करके उनको स्पेशल कंसेशन जो डिमांड करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से उनसे नेगोशिएट करके और हम देते हैं। आज दो उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने जमीन के लिए भी और कुछ कंसेशन जो हमारे से मांगे थे वो पॉलिसीज हमने दोनों क्लियर कर दी हैं। एक उसके अंदर मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी आज हमने वो फाइनल कर दिया है। 296 का रेट है लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है 10% कंसेशन का, वो विद इन 45 डेज अगर पैसा देते हैं तो 10% रिबेट, इस तरीके से फाइनल हो गया है। और बाकी उनको कुछ कंसेशन हमने जो हमारा SGST होता है उसमें रीइंबर्समेंट होती है तो हमने 15 साल के लिए उनको SGST की रीइंबर्समेंट दी है और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे। नया प्रोजेक्ट खरखोदा में उनका ये लगेगा और लगता है 2 या 3 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को वहाँ ले जाएंगे। जो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पहले गुड़गांव और मानेसर में चल रही है उसको और बढ़ा करके और उस प्रोडक्शन को करेंगे और एक प्रकार का मुजारा ऑटो उद्योग है ऑटोमोबाइल उद्योग है वो और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रासिम पेंट्स का। ग्रासिम पेंट्स की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रॉ मटेरियल पानीपत में ज़्यादा मिलता था और उन्होंने एक्सचेंज किया है। उस एक्सचेंज में भी कुछ शर्तें और नई जोड़ी गई हैं जिसमें से उनको भी जो कंसेशन देने थे मिला के उसको भी हमने फाइनल कर दिया है। 70 एकड़ के ऊपर वो इंडस्ट्री पेंट की वहाँ लगेगी। और तीसरा एक प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी एक ऑफर आई है, उसको फाइनल अभी बाद में करेंगे लेकिन रोहतक में एक उस उद्योग का भी आज बातचीत प्रारंभिक हुई है। ऐसे 3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिसके लिए आज अच्छा। देखिए, ये जो मशीनों का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5000 फॉगिंग मशीनों का गांव-गांव में भेजेंगे, वो आज से भेजनी शुरू कर दी हैं। और चूँकि अभी जैसे मौसम भी इस टाइप का हो गया जैसे डेंगू भी है तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बट जाए और इसका फॉगिंग का जो विषय है मच्छर मारने के नाते से काम आएगा, बीमारी ना फैले, पोल्यूशन कम हो, एनवायरमेंट सुधरे, उसके लिए हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उद्योगपतियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो आपसी बातचीत में सहमति बनी उसी आधार पर हमें जो 50,000 रुपये की लिमिट थी
प्रति व्यक्ति की आय का उसके ऊपर लागू किया था, लेकिन उसमें से उसको कम करके हमने 30,000 रुपये प्रति मास ये कर दिया है और इससे सब संतुष्ट हैं। मुख्य रूप से तो मारुति के लोगों को इसमें ज़्यादा एतराज़ था और आज आप देख लेंगे मारुति ने नए उद्योग लगाने की सहमति दी है तो उसके बाद ही दी है। हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया, सब हो गया है और जनवरी में ये ठीक से सब 23 नवम्बर से और 15 दिसंबर तक हमने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय लिमिट 1 लाख से नीचे है उनको बहुत सी सरकारी योजनाएं पहले से हैं, कोई नई योजना उसमें नहीं है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोग ले नहीं पाते हैं या तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमने सब बैंक वालों से भी बात की है, सभी डिपार्टमेंट से भी की है, उन सब योजनाओं में से जो लाभ उनको मिल सकता है स्किलिंग के नाते स्किलिंग करा सकते हैं, लोन के नाते लोन लेके दे सकते हैं, कोई भी विभाग की ओर से जो उनको सहयोग होगा वो करेंगे ताकि जानकारी के रूप में सब डिपार्टमेंट वहाँ जाएंगे और चिन्हित करके लोगों का बुलाएंगे ताकि हम 1 लाख का जो नए लोगों को रोजगार बढ़ा करके उनकी आय बढ़ाने का टारगेट है वो हम इस वर्ष का पूरा कर सकें।